नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जो जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है टेस्ट। फिर से बोल रहा हूँ टेस्ट, जिसका नाम सुनते ही बहुत लोगों को पसीना छूट जाता है, है ना। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी, टेस्ट अर्थात एग्जामिनेशन को कैसे आप टैकल करेंगे उसको लेकर के स्ट्रेटेजी है ना। और इसको बनाने में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मदद करता है इसकी बात करेंगे। अगर आप ये कहें कि ये होता क्या है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी, तो एक इसका उदाहरण, ये डिफिनेशन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वह है डिलीबरेट एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। क्या मतलब? किसी भी चीज को लेने का, अब किस चीज को लेने का, इससे पहले एक मैं वीडियो बनाया हूं वह है एग्जाम पैटर्न को लेकर। आई बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। पहले उस वीडियो को सुनिए, तब इस वीडियो को अगर सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इस वीडियो के बनाने का पर्पस भी आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। जो एग्जाम पैटर्न होता है, उस एग्जाम पैटर्न को लेकर के जब आप फैमिलियर हो जाते हैं, उससे अवेयर हो जाते हैं, क्या डिमांड है एग्जाम में उस क्वेश्चन को सेट करने का, यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, ये सब आप जब समझ जाएंगे तब उसके अनुसार से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, है ना। तो वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो आपका सिस्टमेटिक अप्रोच होता है एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, एग्जाम के डिमांड के अनुसार उसको टैकल करने का। तो सिस्टमेटिक अप्रोच होगा, जैसे जैसे एग्जाम का डिमांड है, क्या क्या डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए जो सिस्टमेटिक आप प्रयास करते हो, और ये आपका प्रयास होता है, डिलीबरेट होता है। मतलब आप अपने एफर्ट से जब स्ट्रेटेजी बनाते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जाम पैटर्न, उसको बोलते हैं डिलीबरेट सिस्टमेटिक अप्रोच, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी। क्लियर हुआ मेरे फ्रेंड्स? और ये कब होता है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते हो तब आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाते हो। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका पर्पस। स्ट्रेटेजी जो है, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी को बनाने का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एग्जाम। जो एग्जाम होता है, जब हम एग्जाम की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, तो ओवरऑल याद रखिएगा, जैसे अर्जुन का तीर का निशाना बिल्कुल चिड़िया के आंख पे था, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो निशाना है वो 31 घंटा 40 मिनट है ना। क्या मतलब है ये? 4 घंटे का पीटी होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और 9 पेपर होता है मेंस का, और हर पेपर 3 घंटे का होता है, 9 × 3 = 27 हो गया, और एक अच्छा एवरेज इंटरव्यू 40 मिनट का माना जाता है। तो 4 घंटा + 27 घंटा + 40 मिनट लगभग हो गया 31 घंटा 40 मिनट। ये आपके लिए अर्जुन की तरह जो चिड़िया की आंख है, उसी तरह से आपका ये 31 घंटा 40 मिनट आपको ये हमेशा दिखते रहना चाहिए। तो ये जो ड्यूरिंग एग्जाम है, अर्थात 31 घंटा 40 मिनट की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस आज पीटी है तो हम सिर्फ 4 घंटे की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो सिर्फ हम 2 घंटे की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इस ड्यूरिंग एग्जाम में आप मैक्सिमाइज करें अपने परफॉर्मेंस को, यही हमारा पर्पस होता है स्ट्रेटेजी बनाने का। क्लियर? ये बात दूसरा पॉइंट है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात है तीसरा पॉइंट कि स्ट्रेटेजी को बनाने से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले कहता है कि ओवरकम चैलेंजेज। एग्जामिनेशन के पीरियड में आपको बहुत सारे चैलेंजेज को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंजेज तो होता है एग्जाम को लेकर के डर होना, साथ ही साथ एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, पीरियड में, आप कभी कभी पैनिक हो जाते हो, आपका माइंड कहीं भागने लगता है, आप थोड़ा सा फियर में आ जाते हो। वो जो चैलेंजेज होते हैं ना, या एग्जाम से पहले बहुत सारे और ऑब्स्टेकल्स आते हैं एग्जाम से पहले की तैयारी में, उन सारे चीजों को ओवरकम करना, उसको कम करना, ये हमारा क्या होता है, इसे हेल्प मिलता है। दूसरा है मैनेज टाइम इफेक्टिवली। क्या मतलब होता है? जो आपके पास टाइम होता है, जो 24 घंटा आपके पास टाइम है, उसमें कुछ घंटा सोते हो और आप लाइब्रेरी में जो पढ़ते हो, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप यूपीएससी की तैयारी के लिए, 1 साल अगर आप बैठेंगे, 10 महीना बैठेंगे, तो प्रत्येक दिन आपको 7 से 8 घंटा से ज्यादा का जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही इफेक्टिवली टाइम को मैनेज किए, 7 से 8 घंटा जो टाइम है, और जिस तरह से मैं बताता हूं कैसे पढ़ना है सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक आधार बना करके, तो 7 से 8 घंटा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने का मतलब क्या होता है जो अभी मैं बताऊंगा, पढ़ने का मतलब होता है स्टडी करना, उसके बाद नोट्स बनाना,
उसके बाद रिविजन करना, उसके बाद कैरी ऑन करना और एग्जामिनेशन हॉल में प्रोड्यूस करना, ये हमारे लिए स्टडी करने का मतलब है। तो उसके लिए 7 से 8 घंटा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 7 से 8 घंटा को कैसे मैनेज करें उसमें ये हमको मदद करता है अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाया। तीसरा पॉइंट होता है डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल टू द बेस्ट। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास अभी तक जितना एक्युमुलेटेड नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते बनाते आपने हासिल किया है, उसको सबसे बेस्ट लेवल पे वहां पे जाकर के उसको यूज करना, उसको प्रदर्शित करना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, इसमें ये आपको हेल्प करता है। तो ये तीसरा पॉइंट भी यहां पे मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी को अप्लाई करना। स्ट्रेटजी को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये 3 लेवल पे होता है, एग्जाम से पहले, एग्जाम के समय में और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम से पहले, बिफोर। ये क्या होता है, आपके पास जितने भी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही मदद मिलता है जब आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हो। क्या मतलब होता है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि अगर एग्जाम के मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना हो, एक उदाहरण मैं देता हूं कि मान लीजिए कि आपको 10 महीने का करंट है, मंथली करंट का मैगजीन आता है, करंट के मैगजीन में आप देखिएगा कि हर मंथ कई टॉपिक पे बटा होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे लगभग 9-10 ऐसे होते हैं, 9 होते हैं। अगर आप 10 महीने के मैगजीन को फाड़ करके टॉपिक वाइज इकट्ठा कर लें, इसका मतलब हो गया क्या, 10 महीने में पॉलिटी में जितने भी करंट में डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे मटेरियल आपके पास एक साथ आ गए, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अक्सर लोग कहते हैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए। अब लक्ष्मीकांत को 10 महीने के पॉलिटी का जो करंट का मटेरियल आपके पास इकट्ठा हुआ है उसके साथ आप मिला दें, तो मतलब एस्टेटिक मटेरियल ऑफ पॉलिटी लक्ष्मीकांत एंड एस्टेटिक करंट मटेरियल ऑफ पॉलिटी जो आपने 10 महीने के मटेरियल को इकट्ठा किया, दोनों को मिला दिया। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करना है तो करंट में जो कुछ भी चल रहा है उसके थ्रू एस्टेटिक में चले जाइए। मान लीजिए कि आप देखिए तमिलनाडु में जो भी चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के जो राज्यपाल हैं उनमें बहुत सारा टसल चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नेंट जो गवर्नमेंट है वहां, ये गवर्नर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक। अब करंट में ये चल रहा है, लक्ष्मीकांत में जो गवर्नर को लेकर के टॉपिक है दोनों को मिला दीजिए, इसका मतलब वो टॉपिक आपका तैयार हो गया। इस तरह से आप जो स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रेटजी जब आपका रहेगा तब। दूसरा कहता है क्रिएटिंग स्टडी प्लान। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास 3 ही चीज होता है, जो मटेरियल है अर्थात जो काम, दूसरा है टाइम और एक स्ट्रेंथ आप। जब मैं आप बोल रहा हूं इसका मतलब होता है आपके पास 5 तरह का एनर्जी है, ये कौन कौन सा एनर्जी है, इसको कैसे फोकस करें, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और वो मुझे लगता है इसमें है, हाँ, एग्जाम पैटर्न को कैसे समझें उसके लेकर जो वीडियो है, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप उससे उस वीडियो तक जा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये 3 चीज है, वर्क है, टाइम है, एनर्जी को इसको वाइजली यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी को हम बोलते हैं क्रिएटिंग स्टडी प्लान। ये भी जब स्ट्रेटजी बहुत अच्छा बनाते हैं, अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम बोलते हैं स्टडी करना, नोट्स बनाना, रिविजन करना और कैरी ऑन करना। आपके पास जो प्लान बनाए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं स्टडी मटेरियल को, इसको स्टडी करना, नोट्स बनाना, रिविजन करना और कैरी ऑन करना, ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका बहुत ही सुंदर स्ट्रेटजी होगा। और इतना करने के बाद तभी आप एग्जामिनेशन के टाइम में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इस सारे नॉलेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्लियर। उसके बाद होता है इनहांस रेडीनेस। जब आप इतना सब चीज कर लेंगे, स्ट्रेटजी बना लेंगे, स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो एग्जाम को लेकर के आप हमेशा तैयार रहेंगे। आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा, देख लेंगे, उस दिन हम देख लेंगे, मेरा ये पेटेंट वर्ड है। जब भी आपको एग्जाम को लेकर के डर हो और इस तरह से आप तैयारी कर चुके हो, अपने आप से हमेशा बोलिए कि उस दिन देख लेंगे, हम बहुत खिलाड़ी उस्ताद बन चुके हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, उस दिन देख लेंगे, क्योंकि उससे पहले हमने बहुत सारा प्रयास कर चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, सिलेबस पे, और ऑर्गेनाइज वे में हमने स्टडी मटेरियल को पढ़ा है, उस पर प्लान करके पढ़ा है और साथ ही साथ स्टडी किया है, नोट्स बनाया है, रिविजन किया है, कैरी ऑन किया है, तो उस दिन एग्जामिनेशन के टाइम में हम देख लेंगे, मतलब प्रोड्यूस कर देंगे, क्लियर। अब बात करते हैं ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग में जब एग्जाम में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको बुकलेट मिलता है, तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, उसको पढ़ना है। फिर एग्जामिनेशन में जब बेल हो जाता है, बेल बज जाता है कि अब आप
क्वेश्चन के बुकलेट को ओपन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को आप एक बार स्कैन कर लें, 1 से लेकर 100 तक 5 मिनट लगता है, और देख लें कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है। जैसा डिफिकल्टी लेवल होगा, अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल यू हैव टू मेक द प्लान कि हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, 90 करें 80 करें 70 करें क्या करें, यह पहले कोई नहीं बता सकता। आप जो अपने सीनियर और टीचर से पूछने जाते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, वो बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं है आपको। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, 5 मिनट में क्वेश्चन को स्कैन कीजिए, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को इवेलुएट कीजिए, और उसके अनुसार से आप अपना प्लान बनाइए वहां पे कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? उसके बाद कहता है ड्यूरिंग मेट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, स्कैन करना, उसके बाद मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? टाइम, क्वेश्चन एंड मार्क्स, इसको समझिए। उस पीरियड में आपको मैनेज करना है टाइम, टोटल टाइम कितना है। अगर 2 घंटे का समय है तो हो गया आपका 120 मिनट, और ईच क्वेश्चन पे कितना देना है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। साथ ही साथ टोटल क्वेश्चन कितने हैं तो 100 हैं, मार्क्स कितने हैं तो टोटल मार्क्स कितने हैं, ईच क्वेश्चन पे कितने मार्क हैं और निगेटिव मार्क भी है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों को जब आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, तो बेसिकली आपका जब स्ट्रेटेजी बना होता है इन चीजों को लेकर के कि एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, पहले से ही आप मेंटली मेकअप कर चुके होते हैं, पहले से ही दिमाग में इमेजिनेशन कर लिए होते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छे उस्ताद खिलाड़ी बन के उभरते हैं। ठीक है? उसके बाद होता है मैनेज स्ट्रेस। एग्जाम का तो स्ट्रेस आएगा ही, है ना, और उसको मैनेज करना है। जैसे हम अक्सर करते थे कि पानी पीते थे या डीप ब्रीदिंग करते थे या एक टॉवेल को भिंगा के रखते थे, गर्मी का मौसम होता था तो चेहरा पोछ लेते थे टॉवेल से, इस तरह से हम अपने आप को काम करने की कोशिश करते थे। जब आप काम हो जाएं, रियली कूल हो जाएं, ये देख रहे हैं रियली कूल, जब आप रियली में कूल हो जाएंगे ना, तो इसका जो सबसे बेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो है क्लियर थिंकिंग। बहुत ही क्लियरली आप सोच पाएंगे, जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाया है, जिसको इतना रिविजन किया है, इतना मतलब ऐसी तैयारी हो जाती है जब अपने आप को काम कर लेते हैं, अपने आप को कंपोज कर लेते हैं, अपने आप को शांत करके रख लेते हैं, तो किस पेज पे किस कोना में क्या लिखा हुआ है, इतना तक आप इमेज कर सकते हैं, इतना तक आप विजुलाइज कर सकते हैं। वो तभी होगा जब एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को रियली में कूल कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है, हम आपके बाद उसके बाद थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं अप्लाई के मोड पे, वो है लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट में मैं बोलता हूं कि एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए रेंडमली। एक तरफ होता है क्वेश्चन का बुकलेट और एक होता है OMR शीट। OMR शीट पे आपने हर चीज को भर लिया क्या? OMR शीट पे अगर आप हर चीज को नहीं भरे हैं तो बहुत बड़ा मुश्किल है। तो OMR शीट पे हर चीज को जो ऊपर भरने वाला होता है उसको भर लें, और मैं कहता हूं क्रॉस चेक करो क्या कि जो बुकलेट में जिस नंबर पे आपने कहा कि इस नंबर का ये आंसर सही है, तो क्या OMR शीट में उसी क्वेश्चन के सामने आपने उसी को फिल किया या नहीं, रेंडमली चेक करना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 13 नंबर क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन चेक कर लीजिए, फिर 49 नंबर क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 73 नंबर क्वेश्चन चेक कीजिए, 87 चेक कीजिए, 93 चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने रेंडमली चेक किया और हर जो है सही है, इसका मतलब बाद में आपको डाउट नहीं होगा एग्जाम से निकलते वक्त कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया OMR शीट में। क्लियर? और हम एक चीज बताना चाहेंगे कि या तो आप OMR ये मिस्टेक हो ही नहीं, इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर पेज उल्टाते गए, क्वेश्चन सॉल्व करते गए, OMR शीट में भरते गए, एक तो ये स्ट्रेटेजी है, या दूसरा स्ट्रेटेजी है कि 25-25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो बन गया उसमें उसको OMR शीट में भरता चला गया, या नहीं तो बहुत लोग लास्ट मोमेंट में भरते हैं, पर ये लास्ट मोमेंट बहुत रिस्की है। जो आइडियल है ये 25 क्वेश्चन वाला है, 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, OMR शीट में भरा। ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया है ये वास्तव में टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी है, और इसको बनाने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको बहुत मदद करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम जितना बार बनाएं उसको उसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल का माहौल जो है उसको बना करके अपने घर में, तब आप जब टेस्ट देंगे और इन सारे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, तो आप बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि बहुत ही तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो टेस्ट होगा आपका अपने घर पे, उसमें बेटर टू बेटर परफॉर्म करते जाएंगे, और उस दिन ओरिजिनल जो डेट होता है एग्जाम का, उस दिन आप अपना बेस्ट देंगे। यही आपके इस टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी का फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर हुआ होगा, आपको बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें, और
आपके सर्किल में जो भी रिलेवेंट बच्चे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, उसको यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।